योगा हमारे देश में बहुत सालों से, बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया के विचार योगा के बारे में बदले हैं। पूरे विश्व के सारे एथलीट्स, सारे खिलाड़ी और यहाँ तक कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो योगा को का पालन करते हैं। योगा आपके शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से के लिए भी बहुत अच्छा है। योगा आपको आपकी कोर एक्सरसाइजेस या कोर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथनिंग है, आपकी इंड्योरेंस है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों का उसमें समावेश है। तो आज हम शुरू करेंगे योगा। आज हम सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार बेसिकली 12 एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज होती हैं। और आजकल मार्केट में एक नया वर्ड आया है, हट योग। हट योग बेसिकली कुछ नहीं है, एक ही एक्सरसाइज को कंटिन्यूस रिपीट किया जाता है, उसे हट योग कहते हैं। मैंने सुना है अपनी प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर कुछ करे ना करे पर है ना, 100 रिपीटेशन सूर्य नमस्कार के करके वो कहीं भी अपना दूसरा एक्सरसाइज नहीं करती हैं। और बॉम्बे के हमारे बहुत करीबी दोस्त डॉक्टर हेमंत गुप्ता वो भी यही कहते हैं कि सुबह उठ के मैं 50 एक्सरसाइज करके दिन भर के लिए चुस्त दुरुस्त हो जाता हूँ अपने मरीजों की सेवा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार स्थिति। सबसे पहले इनहेल करते हुए हाथ और पांव जोड़ेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए तड़ासन की मुद्रा में जाएंगे। ये धीरे धीरे नीचे आएंगे। डोंट बेंड योर नीज, दोनों हाथ और तलवे जमीन पर लगाते हुए फिर राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ। उसके बाद में दूसरा पैर पीछे लेके जाएंगे और कोणासन की मुद्रा में रहेंगे। वहां से धीरे धीरे नीचे आएंगे, शरीर को लगाएंगे नीचे और अष्टवक्रासन की पोजीशन में आएंगे। अष्टवक्रासन से फिर नीचे आके एक बार भुजंग आसन में आएंगे। ऊपर की तरफ आसमान में देखेंगे, फिर वापस कोणासन। धीरे से दाहिना पैर कहीं झटका नहीं आना चाहिए। फिर धीरे से अपना बायां पैर और धीरे धीरे करके वापस